और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। 210 और कॉलोनी, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की है और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की है, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूँ। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है और जो शेष बची हुई है उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहां के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज में जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगी वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3,000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में, यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यू सर्टिफिकेट एनडीसी एनओसी सब जारी किया जाता है, ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सके। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें, और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहां भी लोग एनओसी एनडीसी, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो एनडीसी मिल जाएगा और एनओसी स्वाभाविक नियमित होते ही वो एनओसी हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे अब लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी ना बने। अब इसके बाद जो भी नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है उसमें बाद में सुविधाएं देने में सर्विस देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं जैसा तौर तरीका वो हमने बदला भी है और कम पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे विस्तार कर रहे हैं ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदे मकान बनाए। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है ये डेवलपमेंट न हो और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करे। इसी प्रकार से दूसरा एक जो विषय है वो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो हमने मुआवजे के रजिस्ट्रेशन पर आई थी, खास करके जो बाढ़ आई थी, तो जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय कई प्रकार का मुआवजा ये हमने घोषणा की थी, जिसके अंदर जो 11 अक्टूबर 2023 को भी हमने जो 5 करोड़ और 96 लाख ये मुआवजा, जिसमें पशुधन है, घर है, वाणिज्यिक संपत्तियां आदि, तो कपड़े बर्तन, इनकी जो क्षति थी ये पहले कर चुके हैं। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास पर अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और जो कि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए उसमें सब लोगों ने भर दिया है, इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा। लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है उसका 97 करोड़ और 89 लाख लगभग 98 करोड़ रुपया, इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा और ये सबको आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है। जो ये आज 97 98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी इसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है, वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपए बना है और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं।
सात लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है, कुल 47 डेथ हुई थी। ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। सब जिलों का डाटा है हमारे पास, प्रेस नोट में सारी हाँ, उसमें जो जिलों में ज्यादा मुआवजा दिया गया है 10 करोड़ से ऊपर है, खास करके अंबाला जिला 12 करोड़ 81 लाख, फतेहाबाद 18 करोड़ 65 लाख, कुरुक्षेत्र 26 करोड़ 94 लाख, पलवल 5 करोड़ 40 लाख, 10 से ऊपर नहीं है, 5 ही है, यानी 10 करोड़ से ऊपर है, 3-4 जिले ये हैं जो मैंने बताए हैं, अंबाला फतेहाबाद कुरुक्षेत्र ये जो है सब, बाकी कहीं 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़। एक गुरुग्राम जिला ऐसा है जहां इस प्रकार का कोई लॉस बाढ़ के द्वारा नहीं हुआ है, बाकी सभी 21 जिलों में हुआ है। इसके बाद आगे है एक घोषणा, आपको पता है कि हमने विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना ये दो योजनाएं घोषणा की थी, उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज करने के लिए फाइनल कर दिया है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 23 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की, और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है, तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित, लेकिन संख्या इससे ज्यादा है क्योंकि अब इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है, कई बार व्यक्ति की जानकारी पूरी उपलब्ध होती नहीं है, विधुर भी कई बार दोबारा शादी करा लेते हैं, अविवाहित में भी कई बार होता तो ये है कि वापस अविवाहित लिखा है, शादी कभी हो जाए बीच में तो उसका भी करना पड़ता थोड़ा वेरीफाई। अभी जो वेरीफाई हो चुका है 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित, अभी 14-15,000 के लगभग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी लगभग 40,000 जाएगी। अभी पीपी से कर रहे हैं, जब पीपी का कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर जो बचेंगे उस हम आवेदन मांगेंगे। तो ये अभी से आवेदन है जी सर, पीपी करने के बाद पैरेलल चला रहे हैं, तो ये अभी तक तो पीपी से निकाला है, कोई आवेदन लिया नहीं है, लेकिन अब पीपीपी का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ में आवेदन भी लेंगे कि कोई रह ना जाए, इस प्रकार का ये सारा किया जाएगा। सभी जा रहा है इनको सबको SMS जा रहा है कि आपकी पेंशन लागू हो गई है, पेबल इन जनवरी, वार्षिक जैसे 3,000 रुपए है तो ये 15,000 रुपए लोगों का जो जाएगा, तो 3,000 का मतलब हिसाब लगा ले 15-45 4,500 रुपए महीना बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अब इस साइज बता दें अगला महीने से 3,000 हो जाएगा। अच्छा क्या आपको मालूम नहीं, वो तो जनवरी वाली फरवरी मिलेगी ना। हाँ हाँ, अभी ये दिसंबर की 27.5 हो, लेकिन जनवरी से जो आगे फरवरी मिलेगी वो 3,000। वो तो सभी का जैसे ओल्ड एज, इसका पैमाना ये है कि ओल्ड एज पेंशन जितनी होगी उतनी ही पेंशन जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे विधुर है विधवा है चाहे उसमें कैंसर की है या और भी कई तरह की पेंशन ये ऐसी हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत ये सारा मिलेगा। और इसमें जो इनकम का जैसे हमने पहले बताई है कि अपने को ओल्ड एज वाली में 3,00,000 रुपए वार्षिक का जैसे है, तो ये पेंशन विधुर के लिए तो 3,00,000 रुपए ही रखा है, क्योंकि विधवा के लिए भी 3,00,000 है तो विधुर के लिए भी 3,00,000 है वार्षिक है, लेकिन अविवाहित की वो 1,80,000 ही रखी है कि 1,80,000 से कम है तो उनको ये मिलेगी। 60 वर्ष तक ये मिलेगी, 60 वर्ष के बाद ये सारी जितनी तरह की पेंशन होती हैं ये ऑटोमेटिकली फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाती है। एक सूचना है कि हम HKRM के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से HKRM पर नौकरियां दे रहे हैं, तो इसमें आज एक नई खेप
986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे, तो उसके लिए भी ऑनलाइन हो रहा है, तो इसका यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, फिर तो अपने आप हो जाएगा। ये पासवर्ड ना बता देना किसी को कितनी लगी ओटीपी आता है सर, जो ड्यूअल है मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन, ओटीपी भी आता है सर, पासवर्ड प्लस ओटीपी, ओटीपी तो उसी के पास आएगा जब आएगा वो चाहे देख भी ले, अगली बार अगला दूसरा ओटीपी नया आएगा। आज ही देनी है भाई, एट दिन का ऑफर SMS। ये जो HKRM का है इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने, 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का, अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक, तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे, बल्कि शुरू में तो 40 और 50 जी सर उसका 50 और 100 रखे थे अंत्योदय के लिए, ग्रो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीजों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं, CET का भी उसमें अंक रखे हैं, अगर CET पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज्यादा देंगे, एडज्वाइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडज्वाइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले, वरना HKRM में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे होता है कि नौकरी मिल रही है, फिर वो किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर मिली, बाद में फिर वो ट्रांसफर की परेशानी होती है, ट्रांसफर इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये एक साल का कंट्रैक्ट नौकरी है, या अगले साल फिर से उसकी बारी आ सकती है तो अपने स्थान पर कहीं नजदीक जा सकता है, इसलिए उसको हमने मार्क्स ज्यादा दिए हैं। कुछ सूचनाएं हैं, एक सूचना है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही उसका तय किया जाएगा कितनी सिटिंग्स होंगी। हमने आने के बाद जो एक वादा किया था कि हर वर्ष 3 सेशन हुआ, 3 बार विधानसभा का हुआ करेगा सेशन, तो वो 3 बार हम लगातार कर रहे हैं, इससे पहले 2 बार से ज्यादा कभी हुई नहीं, पहले तो एक बजट सेशन होता था और एक शीतकाल मानसून ये होता था, अभी जो है हमने बजट मानसून और शीतकाल 3 शुरू कर दिए, और तीनों का परंपरा लगातार चल रही है, इसलिए ये जो शीतकालीन सत्र है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। एक दूसरी सूचना है कि इस सेशन में हम एक राज्य गीत ये लाने वाले हैं, बहुत से प्रदेशों ने राज्य गीत स्टेट सॉन्ग, हाँ तो स्टेट सॉन्ग विधानसभा में वो विधानसभा के सत्र पर रखेंगे, तो उसमें एक कंपटीशन करके और काफी बड़ी मात्रा में आए थे, फिर शॉर्टलिस्ट 3 गीत हुए हैं, तो 3 गीत कल वहां सबके सामने रखेंगे, उसमें जिस गीत को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको जो है हम राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित करेंगे, 1 साल के बाद फिर ओपन होगा, नए सिरे से इसी को एक्सटेंशन देना, को नया बनाना, तब तक लोगों के विचार भी आ जाएंगे, अनुभव आ जाएंगे, इसको इस प्रकार से करने वाले हैं।
एक सूचना है कि हमारे हरियाणा राज्य के जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक इसमें देश भर में दूसरा पुरस्कार मिला है, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इसमें हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। और आज ही राष्ट्रपति महोदया वो जो पुरस्कार है वो हरियाणा को देने वाली है, हमारे ऊर्जा मंत्री वहां गए हैं। और एसवाइल बड़ा गंभीर ये विषय रहता है तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी, ये जानकारी भी आपको देनी है। कुल मिलाकर हाँ एक विषय और है, एक विषय ये दोनों चीफ मिनिस्टर और जल शक्ति मंत्री विधिवत तो 3 के ही डेलीगेशन होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट के सहयोग करने वाले लोग रहेंगे, यानी एक प्रकार से ये ट्राई पार्टाइट मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री पंजाब और जल शक्ति मंत्री। चंडीगढ़ स्थान है कहीं तय करेंगे वो तो फिर देखेंगे, कौन करता है, पंजाब करता है हरियाणा करता है, हमने ऑफर की है लेकिन सूचना उधर से ही मिलेगी। अभी तो कल ही अब मीटिंग फाइनल हुई है तो मैंने आज आपको बता दिया कि ये है। एक और सूचना के रूप में कि हमने कुछ दिन पहले जो छोटे छोटे टॉल थे उनको बंद किया था, आज फिर अध्ययन करा करके और जो पीडब्ल्यूडी के कुछ टॉल्स हैं, टॉल जहां टैक्स लिया जाता है, ऐसे 2, 3, 5, 4, 6 और 7 टॉल हैं, इनको बंद करने की घोषणा ये मैं करता हूं। इसमें से कुछ तो है डिपार्टमेंट स्वयं चलाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तो हम जो भी कोई तिथि आगे निश्चित करके और हम बंद कर देंगे, लेकिन जो एजेंसीज को द्वारा जो जहां हमने एंटरप्रेन्योर लगाए हुए प्राइवेट, उनकी टर्म होती है कि कब कब वो खत्म होंगे, ताकि उनका साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त होते ही उसको बंद कर देंगे। ऐसे जो स्टॉल हैं इसमें एक है पेहवा पटियाला रोड, जो पंजाब का बॉर्डर है वहां पर एक चौकर जो स्थान है वहां स्टेट हाईवे नंबर 9 पर टोल लगता है और इसका सालाना 1,41,00,000 रुपए आता है और ये डिपार्टमेंटली चल रहा है और इसका बैठे आज क्या डेट है? आज सर 14 है सर। 14 तो हम मानो पहली जनवरी से इसको खत्म कर सकते हैं, कर सकते हैं जनवरी से, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट को खत्म करेंगे तो उसमें से आगे बंद हो जाएगा, उसको उनको समेटना ही पड़ता है। तो जो डिपार्टमेंटल हैं उनका हम पहली जनवरी से खत्म करेंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो उनकी अलग अलग तिथियां मैं बता रहा हूँ। होडल नू पटौदी पटौदा रोड, इस पर 3 टॉल हैं। पहला टॉल है विलेज सौंद में, दूसरा विलेज चरोदा और तीसरा विलेज पटौदी। तो इन तीनों टॉल को मैसेज आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट, इनको हमने दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ये 5/12/24 को समाप्त हुआ है और मुझे लगता है ये शायद नया नहीं दिया है, 24 एक साल और है तो, हाँ तो उसके बाद ये नहीं दिया जाए। 5/12/23 को ही हुआ ना, अगर एक साल के लिए होना तो 4/6/23 को रिन्यू हुआ, 18 महीने का दिया होगा ना, 18 महीने का दिया है तो 4/6/23 को ये रिन्यू हुआ है, लेकिन 5/12/24 तक देखेंगे कि इसमें अगर पहले समाप्त करने का कोई प्रावधान होगा तो ठीक है, वरना 5/12/24 से आगे नहीं लगेगा। इसका भी जो एनुअल टोल है वो 11.5 करोड़ है, तीनों टोल है तीनों का। फिर राय नारा बालूगढ़ रोड, यहां 2 टोल हैं, पहला टोल है विलेज बरोता और दूसरा है विलेज बामोली, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी खत्म हो रहा है, 12/24 को खत्म हो रहा है, यानी 1 महीने बाद ये उसे 1 महीने के बाद इसको समाप्त करेंगे। इसकी जो दोनों की कलेक्शन है 2,64,00,000। फिर है 6 हो गए, 7वां है पुनहना जुरहेड़ा रोड, राजस्थान बॉर्डर पर है गांव सुनेड़ा, ये कॉन्ट्रैक्टर है ये मल्टीपर्पज और इसका जो टोल का पीरियड अगस्त में अभी 23 में इसको रिन्यू किया था, ये 18 फरवरी 25 तक है,
इससे भी 1,21,00,000 रुपया साल का आता है, इसको भी 25 के बाद आगे नहीं दिया जाएगा। फिर है होडल लू पटौदी पटौदा जटौली गुड़गांव जिले में है और ये डिपार्टमेंट चला रहा है इसको भी, तो 1 जनवरी से इसको बंद किया जाएगा। 5,71,00,000 रुपया इस पर साल का आता है, तो ऐसे कुल मिलाकर ये 22,48,00,000 रुपए के सालाना जो टोल है इनको बंद किया जाएगा। कितने टोल बंद करेंगे साहब? अब अलग अलग समय से है, जो आज मैंने घोषणा की है उसके अंदर 8 टोल जो है उनकी घोषणा की है। 8 में एक 25 में होगा, एक 24 के थोड़ा लेट साइड में होगा, 1, 3, 4, 2, 6, 7, 8 तो ये कुल मिलाकर के आज के लिए अब कोई बाकी विषय तो मैं समझता हूँ सदन में जो आएंगे उसके अंदर हम लोग बैठेंगे, आप लोग बैठेंगे, उसका विचार करेंगे। और एक तो मुख्यमंत्री जी एक सवाल था, बताइए सरकारी बिल लेकर के आ रही है जिसमें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही सरकारी योजनाओं की तमाम जानकारी जनता के सामने रखी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने तमाम बातें जनता के लिए जो भी योजनाएं लागू की गई उसके बारे में तमाम जानकारियां भी जनता के सामने रखी हैं।